हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम होटल में कौन सॉल्ट एंड पेपर के लिए कौन कैसे फ्राई करके रखते हैं और कितने दिन चलती है। तो आपने ये वीडियो पूरा देखना है बिना स्क्रब किए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल जाए। क्रिस्पी कॉर्न का मीजा करने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप कॉर्न, यह है फ्रोजन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर के लिए कॉर्न कैसे फ्राई करके रखते हैं। सबसे पहले हम इसको बॉईल करते हैं। अब आपको मैं बॉईल करके दिखाता हूं कि कैसे आपने बॉईल करना है। आपने उबलते हुए पानी में इस तरीके से कॉर्न डाल देना है और आपने इसमें डाल देना है 1/2 से 1/2 टीस्पून नमक। मैंने 1 कप कॉर्न लिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और आप आसानी से अपने घर में बना सके, नहीं तो हम तो बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं। ये देखिए, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट बॉईल करना है। और ये मैंने बॉईल क्यों किया है ये भी आपको बता देता हूँ। ये पैकेट वाला है। पैकेट वाला कॉर्न क्या होता है, थोड़े हार्ड होते हैं। अगर आपके पास टीन वाला है तो आप बॉईल ना करें। टीन वाले को बॉईल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पैकेट वाला यूज कर रहे हैं पोस्टिंग की वजह से, तो आप जरूर बॉईल करें, नहीं तो आपके कॉर्न अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये उबल चुके हैं, मैं गैस बंद कर दूंगा। आपने इस तरीके से छान लेना, ये देखिए, और तुरंत इसमें आपने पानी चालू कर देना है ठंडा, ताकि ये फटाक से ठंडे हो जाएं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब आपने इसमें क्या क्या डालना है और कैसे फ्राई करना है मैं आपको बताता हूँ। अब इसको फ्राई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक बैटर बना सकते हैं, उसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे, वो बहुत ही आसान तरीका है। आपने बॉल के अंदर डालने हैं कॉर्न, ये देखिए इस तरीके से। कॉर्न के अंदर आपने डालने हैं 3 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर, ये देखिए, 2 टेबल स्पून मैदा और 1/2 से 1/2 टीस्पून एरोमेट। अगर आप इसमें एरोमेट डालें तो नमक ना डालें, क्योंकि एरोमेट में नमक होता है, फिर नमक हो जाएगा ज़्यादा। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है, देखिए ऐसे, ये देखिए। आप जब ऐसे आप इसको मिलाते रहेंगे ना, मिलाते रहेंगे तो इसमें एक परत ऊपर से जम जाएगी मैदा और कॉर्नफ्लोर की, और आपने फ्राई कर लेना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये प्योर एगलेस है, इसमें अंडा नहीं होता है। और कई बार आपको लगे कि ये कम चिपके हुआ है मैदा कॉर्नफ्लोर, तो आप इसमें पानी का छींटा मार सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये एक अच्छा तरीका है और सही तरीका यही है कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर फ्राई करने का। आप अगर बैटर बना के फ्राई करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर मैदा कॉर्नफ्लोर लग जाता है ना, तो आपको कॉर्न का टेस्ट सही से नहीं मिल पाता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे इसको हिलाना है, ये देखिए, और ऐसे आप डाल सकते हैं तेल में। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको कॉर्न फ्राई करने का दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। आपने लेना एक ऐसा बॉल, बॉल के अंदर ऐसा झारा रखना, ये देखिए, और झारे के अंदर ये कॉर्न डाल देना है आपने इस तरीके से। कॉर्न डालने के बाद आपने ऐसे हिलाना, ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा मैदा होएगा कॉर्नफ्लोर होगा वो सब नीचे चला जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं सोचा आपको ये तरीका बताना चाहिए, ताकि आप घर में बनाएं तो आपको तकलीफ ना हो। ये देखिए, ये इस तरीके से सब निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे सीधा झारा तेल में डाल देंगे और आपकी मेहनत बच जाएगी। कॉर्न फ्राई करने के टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, तेल गर्म होना चाहिए और गैस स्लो होना चाहिए। तेल गर्म डालने के बाद आपने गैस फास्ट करना है, ये देखिए इस तरीके से डाल दें, और तेल साफ होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, ये देखिए। ऐसे आपने डाल देना है, गैस आपने कर देना है फास्ट, और ये फटाफट फ्राई हो जाती है। टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि हमने बॉईल किए, सिर्फ आपने ऊपर कलर लेना है, क्रिस्पी करना है थोड़ा। और बॉईल करने का फायदा क्या, ये फटती नहीं है ज़्यादा, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो इतनी फटेगी, बम 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 चारों तरफ फैल जाएगी और आप जल भी सकते हैं। तो अगर आप बॉईल करके फ्राई करेंगे तो फटेगी नहीं और आप जलने से बच जाएंगे। देखिए अब ये हो गई, अब मैं निकाल लूँगा। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बॉईल करने का।
ये देखिए इस तरीके से आपने फ्राई करके निकाल लेना है। रखने का तरीका आपको अब बताता हूँ। हम ऐसे स्टील की ट्रे में मीजा रखते हैं और फ्राई आइटम में हम नीचे पेपर लगा देते हैं ताकि पानी ना छोड़े, और पानी छोड़े तो सामान खराब ना हो। इस तरीके से देखिए, और आपने इसको ठंडा करके उसके बाद ढक्कन लगा के फ्रिज में रखना है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे फटाफट 2 मिनट में कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर कैसे बना देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।